सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आते आते बीजेपी जातिगत जनगणना की बात कर देगी, हो सके तो आश्वासन भी दे दे। बीजेपी प्रोपेगेंडा में सबसे आगे है, उनकी मुख्यमंत्री सदन में भी झूठ कह गए, जबकि 46 लोगों की सूची पूछी गई तो वो कभी जारी नहीं हुई। आने वाले समय समय में लड़ाई मजबूत और होगी और बीजेपी को हराया जाएगा। कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीम लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है, ये किस सरकार ने करना है, क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आप पीएससी सीएससी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज चले जाए, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा, न दवाई मिल रही है। आप हम लोग राजधानी में रहते हैं, किसी अस्पताल में चले जाओ,